हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि नाक बंद क्यों हो जाती है। जब हमें सर्दी जुकाम होता है, जैसे सर्दी आती है तो सभी को कम से कम एक बार तो होता ही है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। जो हमारे अंदर कफ होता है वो जम जाता है गंदगी के रूप में। एक तो अच्छा कफ होता है, एक खराब कफ होता है, उसकी हम कभी और दिन बात करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि सर्दियों में कोई ठंडी चीज खा ली हमने जो हमें नहीं खानी चाहिए थी, रात के समय पे कोई खा ली, तो उसकी वजह से सर्दी जुकाम हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर उसकी वजह से कफ जम जाता है। तो कफ गंदगी होती है, उसे शरीर को बाहर निकालना होता है, क्योंकि शरीर की प्रक्रिया होती है गंदगी को किसी ना किसी तरीके से बाहर निकालना होता है। कफ जो होता है वो छाती से ऊपर के एरिया में रहता है, तो जाहिर सी बात है तो वो जैसे नाक है या मुंह है तो वहां से ही निकलेगा। तो हमें इस कारण सर्दी जुकाम होता है। कई बार नाक बंद होने की जो समस्या होती है वो काफी लंबे टाइम तक रहती है, वो ठीक नहीं हो पाती और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ये क्यों होता है? जिन चीज़ों से सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है, ठंडी चीज़ें होती हैं, उन्हें लगातार खाते रहते हैं। और ये नहीं कि गलत टाइम पे खाते हैं, जैसे रात को नहीं खानी होती तो रात को भी उन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, फ्रिज में रखी कोई चीज़ खा रहे हैं, बासी चीज़ें खा रहे हैं, ठंडे चावल खा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा कफ होता है वो कुपित हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जो नासिका द्वार होती है जहाँ से कफ निकलता है तो वहाँ पे जाके जम जाता है। या फिर हम क्या करते हैं कि सर्दी जुकाम को ठीक करने की दवाइयाँ खाने लगते हैं जो उसको निकालने की बजाय उल्टा दबाने लगती है। तो उसकी वजह से भी फ्रेंड्स, एक तो हम परहेज नहीं करते, ऊपर से ऐसी दवाइयाँ खा लेते हैं, तो कई बार कफ बिगड़ कर जम जाता है, वो निकल नहीं पाता और उसकी वजह से हमारी नाक बंद होने लगती है। कई बार तो एक नाक ही बंद रहेगी, बहुत लंबे टाइम तक दो दो तीन तीन दिन हो जाते हैं एक नाक ही बंद रहती है, खुलती नहीं है कुछ भी कर लो। और कई बार रात के समय में ऐसा होता है कि दोनों नाक आपकी बंद हो जाती है, आपको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप मुंह से सांस लेते हैं और मुंह से सांस लोगे तो आपकी हालत और बिगड़ जाती है, आपको बेचैनी होने लगती है, रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। कई बार ये प्रक्रिया गर्मी में भी हो जाती है, जैसे हम पसीने में पानी पी लेते हैं या फ्रिज के पदार्थों का ज्यादा सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो कफ का बिगड़ना होता है वो गर्मियों में भी हो जाता है। जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, नाक लगातार बंद रहने लगे, सांस ना आए, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये हमारे जो उंगलियों के टिप्स होते हैं इनको दबाना है। आप कभी भी चलते फिरते उठते बैठते आप दबा सकते, दोनों हाथों की आपको ऐसे दबाना है, अंगूठे की सहायता से अपने टिप्स को दबाना। ये भी साइनस के पॉइंट्स होते हैं, जो साइनस होता है वो यहाँ पे होता है, यहाँ पर भी कई बार दर्द होता है, तो यहाँ भी कफ की प्रॉब्लम से ही ये प्रॉब्लम आती है, साइनस की, जैसे अस्थमा की, ये सब फ्रेंड्स कफ की प्रॉब्लम से आती है। कफ जब बिगड़ जाता है तो आप सबसे पहले इन टिप्स को दबा सकते हैं, इनसे भी काफ़ी आराम मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, ये जो हमारा अंगूठा है इसको ऐसे करके ऐसे आप थोड़ा सा कस के पकड़ सकते हैं और इसको ऐसे करना है, आधा मिनट इसको और आधा मिनट इसको करना है। ये आप तीन टाइम कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, आराम से आधा आधा मिनट कर सकते हैं, आधा मिनट ही करना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप पूरा दिन ऐसे रगड़ते रहे और फिर क्या हो, रगड़ने से ये चीज़ छिल जाए, इतना भी नहीं करना है, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। फिर जब नाक बंद रहती है तो आपको वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसको अगर आप खाने की बात करते हैं तो पेट एकदम से हल्का होने लगता है, खाना पचने लगता है और जितनी भी अपचन की प्रॉब्लम होती है वो दूर होने लगती है और खाना आसानी से पच जाता है। तो ऐसे बैठ के आपको ये जो अपने हाथ हैं ये अपनी बगल में ऐसे लगाने हैं और अंगूठा ऊपर रखना है, ऐसे लगाने हैं। जैसे फ्रेंड्स हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो अपने हाथ ऐसे ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कांपने लगते हैं जब हम, तो ऐसे ही करना है लेकिन अंगूठों को ऊपर रखना है, अंगूठों को ऐसे और ऐसे अपने बगल को जो है ऐसे दबाते रहना है अंगूठों से, और कोहनियाँ आपकी नीचे होनी चाहिए, ऐसे आपको दबाते रहना है, अंगूठों से प्रेशर देते रहना है, सांस आपको लेते और छोड़ते रहना है, जैसे ये आपको आधे मिनट से शुरुआत करनी है, आधे मिनट से एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट कर सकते हैं, इसलिए आप दो टाइम करिए। और खाना खाने से एक घंटे पहले करना है, सुबह शाम आप कर सकते हैं खाना खाने से एक घंटे पहले, आधा मिनट से आपको शुरू करना है और बढ़ाते बढ़ाते आप दो मिनट तक इसको ले जा सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, ये आराम से हो जाता है। फिर दूसरा आपको ऐसे अपनी मुट्ठी आपको ऐसे दबानी है, मुट्ठियाँ देखिए
और ऐसे ही अपनी बगल के अंदर आपको दबा लेना है, कूनी आपकी अच्छी रहनी है और ऐसे ही आपको सांस लेते रहना है। ये भी फ्रेंड्स आपको आधा मिनट से लेके 2 मिनट तक 3 मिनट तक आप कर सकते हैं और सुबह शाम दोनों टाइम करना है। इससे क्या होता है, आपकी गर्मी जो है बढ़ने लगती है और गर्मी जब आपके नोस्ट्रल एरिया में आती है तो आपकी नाक गर्मी से खुलने लगती है, नाक की नसें खुल जाती हैं, तो इसलिए आपको ये करना है। ये गर्मी बढ़ाने के आसन है, इससे आपकी गर्मी बढ़ेगी और नाक खुल जाएगी। कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो आप प्रयोग करके अपनी नाक में आराम पा सकते हैं, तो वो कौन से हैं? सबसे पहले तो एक अजवाइन है, अजवाइन तो आप सभी जानते होंगे, अजवाइन आपको लेनी है। थोड़ी सी अजवाइन ले लीजिए, उसको आपको तवे पे सेकना है और उसे सूती कपड़े में बांध के, जब वो थोड़ी गर्म रहती है जिसको आप सूंघ सके आराम से, थोड़ी गर्म सी ले लीजिए और सूती कपड़े में बांध कर उसको सूंघते रहिए। ये जब भी ये ठंडी हो जाए फिर आप इसको निकाल दीजिए, और नेक्स्ट टाइम अजवाइन लेते हैं तो आपको दूसरी ही लेनी है, जो पहले वाली अजवाइन है उसको नहीं लेना है, दूसरी नई वाली अजवाइन सेक कर वो आप दूसरी लीजिए। जो पहली अजवाइन थी सेकी हुई उसको आप पीस कर खाने में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने में डाल सकते हैं। फिर एक नुस्खा है जो नज़ले के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, अगर आँखों में कानों में खुजली हो रही है, आँखों से पानी बह रहा है, या फिर नाक आपकी बहुत ज़्यादा बंद है, सांस नहीं आता है, रात को बंद हो जाती है, कुछ ऐसी नज़ले की समस्या आपको बार बार आ रही है, तो आपको क्या करना है, कुछ बादाम लेने हैं, देसी खांड ले लीजिए या मिश्री ले लीजिए, जो डली वाली मिश्री होती है, कोई एक चीज़ आपको लेनी है, बादाम लेने हैं उसके साथ, और एक भूरी मिर्च आती है जैसे काली मिर्च होती है ना दाने वाली, ऐसी एक भूरी मिर्च होती है तो आपको लेनी है। तीनों को आपको पीसना है और सुबह के वक्त 1 कप दूध ले लीजिए, ज़्यादा दूध मत लीजिए, और उसको आपको 1 चम्मच से भी कम, ज़्यादा नहीं लेनी क्योंकि गर्म रहते हैं, गर्मी है तो थोड़ी कम लेनी है, 1/2 चम्मच ले लीजिए, अगर सर्दी है तो 1/2 चम्मच से थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको सुबह के वक्त खाली पेट लेना है, और गर्मी है तो आप नॉर्मल, जैसे दिन में आप पानी पीते हैं तो नॉर्मल पानी आप पीते रहिए क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म रहती है, कहीं गर्मी ना कर जाए, लेकिन नज़ले के लिए बहुत ज़्यादा असरदार है और इसको आपको 1-1.5 महीने तक लगातार लेना है। ये दवाई तभी असर करेगी, ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन ले लिया और 3रे दिन छोड़ दिया, आपको लगातार लेना है। हाँ, अगर गर्मी है तो पानी आदि भरपूर मात्रा में पीते रहिए ताकि आपको गर्मी की समस्या ना हो सके। और फिर भी अगर आपको समस्या बनी हुई है नाक बंद होने की, तो भस्त्रिका अनुलोम विलोम कपालभाति आप करते रहिए लगातार, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं आपको कैसे करने हैं, तो आपकी 100% नाक की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आज बस इतना ही, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।